पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी महानगर की मासिक बैठक कैंप कार्यालय बड़ी मस्जिद असालतपुरा में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हाजी मन्नू कुरैशी महानगर अध्यक्ष ने की और संचालन धर्मेंद्र यादव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देवरिया कांड इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरे देश और प्रदेश में महिलाओं साथ ही बच्चियां भी असुरक्षित हैं। घर से निकलना दूभर हो चुका है। पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर है। अध्यक्षता करते हुए हाजी मन्नू कुरैशी ने कहा कि महानगर में बिजली चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। अगर चेकिंग करनी है तो दिन में की जाए और जनता को विश्वास में लेकर की जाए। उन्होंने कहा, सड़कों की हालत पूरे महानगर में खस्ता है। कांवड़ पर्व का आखिर सोमवार निकट आ चुका है और पूरा शहर गंदगी में तब्दील है, जिससे कांवड़ियों को भी असुविधा हो रही है। इसीलिए सड़कें दुरुस्त कराई जाएं और गंदगी समाप्त कराई जाए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शीघ्र दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में सपा सड़कों पर उतरेगी और मार्च निकालकर विरोध करेगी। बैठक में मुख्य रूप से हाजी मन्नू कुरैशी महानगर अध्यक्ष बाबर खां, हाजी कैसर अली कुद्दूसी, धर्मेंद्र यादव, तारिक बॉबी, सरताज आलम, लुकमान खां, शमीम अहमद खां, सिद्दीक कुरैशी, हाजी अकरम खां, संजीव चौधरी, हाजी इदरीश कुरैशी, जिगरी मलिक, मनोज यादव, प्रेमपाल यादव, मोहम्मद आसिफ, लालू परवेज के साथ और भी लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी महानगर की मासिक बैठक असालतपुरा कैंप कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें भारी मात्रा में सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। और हमारे मुख्य एजेंडे, एक तो पहला एजेंडा रहा जन समस्याओं को लेकर, और दूसरा रहा कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है उस पर चर्चा की गई, तीसरे बूथ कमेटियों को लेकर उस पर चर्चा की गई। जल्दी बूथ कमेटियाँ तैयार करने का विधानसभा अध्यक्षों को आदेश दिया गया है। ऊपर आला कमान का हमें निर्देश हुआ है कि 15 अगस्त तक बूथ कमेटियाँ तैयार करके आला कमान को सौंप दी जाएँ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके और नफरत की राजनीति करके, हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें घूमने से फुर्सत नहीं है, और योगी जी जिन्हें ईद और दीपावली में फ़र्क पैदा करने में फुर्सत नहीं है, और आज देवरिया में जिस तरीके से दर्दनाक वो कांड हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ समाजवादी पार्टी महानगर की तरफ से। जी, श्रावण मास के आखिरी सप्ताह में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कैंप लगाएंगे, जिसमें जिला व महानगर संयुक्त एक कैंप लगाकर उनका स्वागत करेगा और उन्हें भोजन की भी व्यवस्था कराएगा।